वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगे। हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चुलावाड़ा जी, जिनसे आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है, इससे पहले कि हम आज के विषय को आगे बढ़ाएं? ज़्यादातर जिन लोगों के घरों के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह के कंप्यूटर, डिशवॉशर या कोई भी तरह की घर की रचना या इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो बार बार ख़राब हो जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था हो, तो किसी भी चीज़ को प्लग करके नहीं रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि आप वहाँ से नहीं हटा सकते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो या बिजनेस में कोई ऐसी व्यवस्था हो, तो उसको 24 आवर्स उसको प्लग करके नहीं रखना चाहिए। जब कभी आपको इस्तेमाल करना हो तब आप उसको यूज़ करो, उसके बाद आप उसको वापस स्विच ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से उसको मेंटेन करते रहने से भी कई बार आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की लाइफ को बढ़ा सकते हो। एक छोटी सी वास्तु की टिप्स है, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। आजकल कहने को छोटी छोटी बातें ही, आपने कहा कि छोटी सी वास्तु टिप है, लेकिन बात यह है कि छोटी छोटी प्रयास, छोटे छोटे प्रयास ही हमें अद्भुत और बड़े परिणाम दिखाते हैं। एक एक ब्रिक से आप पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आजकल लोग अब भले वो आई वॉच हो या आईफोन हो या कंप्यूटर हो, तो एक घर का कॉर्नर ऐसा होता है जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक्स को रिचार्ज करने के लिए भी आजकल लोग जिसको बोलते हैं कि एक रिचार्ज करने का स्टेशन बना देते हैं या क्या है, इसका मतलब है वहाँ निरंतर कोई ना कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का निरंतर इस्तेमाल हो रहा है और बल्कि 24 घंटे हो रहा है, उसके लिए कोई खास सलाह? अभी आपसे बात करते हुए मुझे एक अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस याद आ रहा है। उनके बेटे ने एक एप्पल वॉच बाय की थी, उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया हो या व्हाटएवर, लेकिन उनके पास एक एप्पल वॉच थी। तो उनसे उनका जो ब्रीथ उनकी वो काउंटडाउन होती थे, तो उसके बेटे ने मेरे को फ़ोन करके पूछा कि आंटी मेरे पास एप्पल वॉच है तो मेरी अच्छी हेल्थ रहे और मेरे हार्ट को भी बड़ा अच्छा रखने के लिए आपको लगता है कि आप कहाँ पे बोलोगे, मैं कहाँ पे उसको एप्पल वॉच को हमेशा चार्ज करूँ? तो मेरे को उसकी इतनी स्वीट बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके बच्चे मेरे को बहुत लगाव से, उनके साथ बच्चों को मेरे से बहुत प्यार था। पढ़ाई लिखाई के लिए हर अच्छे रिजल्ट के बाद तुरंत मुझे फ़ोन करते थे कि ये इस बार मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो मुझे अप्रिसिएट करते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब एक वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ जुड़ता है तो आपके बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों के साथ उनका एक लगाव बन जाता है। तो कई बार उनके फादर अपने बैठने की व्यवस्था को पूछते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि भाई एप्पल वॉच तो बड़े काम की है, मैं भी पूछ लेता हूँ कहाँ पर चार्ज करनी चाहिए। तो सेलफोन वगैरह के लिए, ये सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए घर के अंदर किचन के आसपास जहाँ पे आप खाना बनाते हो उसके नज़दीक कभी भी सेलफोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, एक तरफ वो फूड भी करते हैं उस तरह से वो चार्ज भी करते हैं। अगर आप सेलफोन कंपनियों के साथ या अगर आप उसकी डिटेल को पढ़ोगे तो कई बार लोग चार्जिंग में रखते हुए फ़ोन के साथ बातें करते हैं, उसके जो वेव्स होते हैं वो इतने प्रॉब्लमेटिक हैं कि कई बार आपके ब्रेन के ऊपर या आपके शरीर के अलग अलग भागों पे उसका नुकसान होता है। तो कभी भी उसके पॉइंट को चार्ज करते वक्त आपको घर में देखना है कि आप उसको कहाँ पे लगा रहे हो, और आइडियल व्यवस्था उसके लिए सिर्फ और सिर्फ घर का ईस्ट कॉर्नर माना जाता है। बहुत अच्छी जानकारी पल्लवी जी। इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा को ख़त्म करें, कोई ख़ास सुझाव आपकी ओर से? एक बार फिर से रीइटरेट करते हैं कि पल्लवी जी ने कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, साउथ वेस्ट एक दिशा है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। और नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट खासतौर पर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी दिशा है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हो या कोई भी तरह की ऐसी व्यवस्था हो, तो कई बार आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन उसके कोई ना कोई तरह के वेव्स ऐसे रहते हैं कि जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सारी व्यवस्था अपने बेड से दूर, खाने पीने की चीज़ों से दूर, आपकी सोने की व्यवस्था में आपके सर के पीछे ही अगर आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हो, तो इस तरह से आपके रिलैक्स होने के एरिया में आप अपने आराम की जगह से थोड़ा सा आप उसको दूर रखें। हो सकता है आपको खड़ा होकर लेने जाना पड़े, बट वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। जी पल्लवी जी, अगर मैं खास कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करूं, हालांकि आजकल तो लोगों ने घरों में भी ऐसी सुविधा रखी हुई है कि जहां पर वो एक ही जगह अपने कंप्यूटर का मोडम भी रखते हैं, होम थिएटर का इक्विपमेंट भी, एक इलेक्ट्रॉनिक टावर टाइप बन जाता है। और अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करूं तो जहां आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनका एक सर्वर रूम होता है जहाँ पर बहुत सी इलेक्ट्रिकल केबल्स और तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और तमाम चीज़ें होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल
अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो एक कॉर्नर जिसको हम कहना चाहें या एक अरेंजमेंट अगर हम कहना चाहें, वास्तु क्या कहता है, वो किस तरह का होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा है। कई बार होटल मोटल इंडस्ट्री में हर तरह के बिजनेस के अंदर जो काफ़ी बड़े बिजनेस होते हैं उसके अंदर उसका जो सर्वर रूम होता है वो उस बिजनेस का हार्ट होता है, उसमें सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। एब्सोल्युटली, कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो बिज़नेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सर्वर रूम की आइडियल व्यवस्था वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ईस्ट और साउथ ईस्ट में मानी जाती है। कोई भी कंपनी के अंदर अगर साउथ वेस्ट में सर्वर रूम बना हुआ हो तो वहाँ पे भी उनके अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप में थोड़े बहुत डिस्प्यूट रहते हैं, और जो भी वेंडर उनके होते हैं या जो उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ उनको लगातार एक जैसा बिज़नेस नहीं मिलता है। तो बिज़नेस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आइडियली सर्वर रूम की व्यवस्था कभी भी साउथ वेस्ट में नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी गेटेड कम्युनिटी के बने हुए घर होते हैं तो उसके अंदर घर को पूरा उन्होंने पूरा उसको पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम पे रखा हुआ होता है, तो उसका फाइनल घर का भी जो सर्वर रूम होता है वो भी वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कभी भी नहीं रखना चाहिए। उससे घर के आम आदमी की रूटीन लाइफ के अंदर रिलेशनशिप को फिक्स करने में, अपने नेबर के साथ आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में सर्वर रूम की गलत व्यवस्था कई बार रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। वास्तु के अंदर अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर आप अपनी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रखते हो और लगातार 24 आवर्स अगर वहाँ पर व्यवस्था हो, क्योंकि सर्वर रूम तो 24 आवर्स चलता रहता है, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था घर की फीमेल को परेशान कर सकती है और ऐसा पॉसिबल होता है कि आप अपने नेबर के साथ रिलेशनशिप को ख़राब करते हो। जी, इससे पहले बातचीत को ख़त्म करें, एक बड़ी कॉमन सी बात है क्योंकि घर घर में देखी जाती है और शायद आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएँ। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ऐसी होती हैं जो ना कभी चलती हैं, बिगड़ी पड़ी रहती हैं, लोगों का फेंकने को दिल नहीं करता है, और एक घर में पड़ी हुई हैं, मतलब आई डोंट नो कि या फेंकने में सुस्ती करते हैं या लेजीनेस है या कुछ उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन वो एक तरीके से डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। वास्तु क्या कहता है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, पुराने VCR पड़े होंगे, DVD प्लेयर्स पड़े होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, आउटडेटेड मॉडल्स होंगे, आज की डेट में फ्लैट स्क्रीन्स आ गए, LED, LCD इस तरह की चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी पुराने टेलीविजन सेट्स लोगों के पड़े हैं तो पड़े हैं, इस्तेमाल में नहीं आ रहे, और कुछ के तो ख़राब पड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, वास्तु क्या कहता है? ऐसे मैं जानती हूँ कि इसका जवाब आप खुद भी जानते हो इस शो के माध्यम से, लेकिन आपसे सुनना बेहतर रहेगा। जी, तो वास्तु हमेशा क्लटर को अवॉइड करने में बिलीव करता है। तो जब कभी भी घर में पुरानी चीज़ें हो तो कई बार हम सुनते हैं फैमिली मेम्बर की ओर से कि मेरे फादर इन लॉ है या मेरे मदर इन लॉ है वो घर की पुरानी चीज़ों को कभी फेंकने ही नहीं देते, पल्लवी एक काम कर आप जाके बोल दो, आपके बोलने से सुनेंगे। ऐसा मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है। मैं सिर्फ इन लॉज के बारे में नहीं बताती हूँ, लेकिन कई बार हस्बैंड का भी नेचर होता है, कई बार वाइफ का भी नेचर होता है कि पुराने कपड़े नहीं फेंकते हैं, पुरानी इस तरह की कोई भी चीज़ जो कभी भी ठीक नहीं होने वाली है उसको नहीं फेंकते हैं। लेकिन वास्तु ये कहता है कि आपके घर में एक पुरानी चीज़ जो डेड एलिमेंट क्रिएट करती है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली 10 नई अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर सकती है। इसीलिए मेरी आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ कभी नहीं चलने वाली है या जिसका कोई इलाज ना हो, इस तरह से पुरानी बंद पड़ी हुई घड़ियाँ हो या कोई भी तरह के पुराने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी वेस्ट हो, उसको निकाल देना चाहिए घर में से। कभी भी ऐसी चीज़ों का स्टोरेज किसी भी कोने में नहीं रखना चाहिए। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो निसंकोच आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें वास्तु, दैट्स vastu@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। ध्यान रहे कि महीने के दूसरे रविवार को हम पल्लवी जी से लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ये प्रयास रहता है कि आपका सीधा संपर्क हम करवा सकें पल्लवी जी से। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्रॉपर्टी जिससे संबंधित आपका कोई सवाल जुड़ा हुआ है, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उनसे पूछ सकते हैं। और प्रॉपर्टी तक ही क्यों सीमित, बल्कि अगर आपको अपने करियर, रिलेशनशिप, अलग अलग जीवन के पहलुओं से जुड़ा जो सवाल आपने पूछना हो, वास्तु के नज़रिए से वो आपको क्वाइट एक्यूरेट आंसर दे सकती हैं। पल्लवी जी, अगले अंक में एक और दिलचस्प विषय के साथ दर्शकों के समक्ष हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आइए उनसे मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।